प्रारंभिक बल्लेबाज महिपाल जाला और परेश कामली गेंदबाज यहां पर आए। उनका यहां पर जिस तरह से आज उन्होंने फैंसी इलेवन के खिलाफ गेंदबाजी की थी, शुरुआती बल्लेबाज को जल्द से जल्द चलता किया था, पूरी तरह से बांध के रखा था और एक महत्वपूर्ण पारी खेली गई लोकेश कामली के द्वारा। 46 रन नाबाद रहे, इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक स्कोर भी उनके नाम है, 92 नॉट आउट, कुल मिलाकर बेहतरीन लय में है। और यहां पर हम इसी बीच वापस आते हैं, और यहां पर 6-7 फाइटर्स के ऑनर नवीन भाई की ओर से उनके बल्लेबाज लोकेश को 2100 रुपए नगद कैश प्राइज दिया गया है। नवीन भाई जो कि 6-7 फाइटर्स के ऑनर है, उनकी ओर से 2100 रुपए नगद, बहुत ही शानदार खेल दिखाया उन्होंने। और यहां पर महिपाल, उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी तो उनको 1100 रुपए नगद। और इसी बीच परेश कामली, बहुत ही शानदार गेंदबाजी दिखाई थी उन्होंने पावर प्ले में, जब गेंदबाजी लेकर आए थे 1100 रुपए नगद उनको भी 6-7 फाइटर्स के ओनर नवीन भाई के द्वारा दिए गए हैं। इसी बीच सोमनाथ डाडा 11, अब तक खेली है 4 मुकाबले, जीत चारों में उन्होंने हासिल की है। यहां पर ये 5वां मुकाबला, टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय। सोनी वाइन्स की अगर बात की जाए तो शुरुआती 2 मुकाबले हारी थी, आज के दिन का पहला मुकाबला जीत में तब्दील करने के बाद आत्मविश्वास बुलंद उनका, दोनों के बीच रोमांचक मुकाबला होने की पूरी संभावना है। जहां तक बात की जाए सोनी वाइन्स की, बेहतरीन बल्लेबाजों की सेना है टीम में मौजूद। गेंदबाजी पर है कप्तान ने सुंदरम को लाया गया है, विकेट कीपर प्रशांत मांगेला इस टीम के उप कप्तान है। कप्तान की जो भूमिका है फिलहाल मयूर को सौंपी गई है। और जहां तक देखा गया है इस टूर्नामेंट में अंडरडॉग टीम एक डायमंड टाइगर की भी मानी जा रही थी, उन्होंने बखूबी यहां पर खेल दिखाया है। और इसी बीच इस खेल में वापस आता है पहली गेंद, और शुरुआत, जी हां, ओ माय गॉड, व्हाट अ शॉट, प्रज्ञेश इज ऑन फायर, पहली गेंद पर प्रहार। क्या कमाल का खिलाड़ी है ये, घरेलू क्रिकेट हलपट्टी समाज की ओर से खेलते हैं। और यहां पर सोमनाथ डाडा 11 ने उनको मौका दिया प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में, और जहां तक देखा गया है उन्होंने हर एक मुकाबले में ताबड़तोड़ शुरुआत दी है। यहां पर पहली गेंद पर आगाज किया है, बेहतरीन आगाज हुआ है। जहां तक देखा जाए तो सोमनाथ डाडा 11 के ऑनर पीयूष भाई काफी खुश अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन से। पहली गेंद पर प्रहार किया बिल्कुल लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए तकदील। जी हाँ, इस प्रकार के बल्लेबाज को इस प्रकार के रन नहीं चुराने चाहिए, पर यहां पर गलती हुई। पर अगर सुंदरम सीधी गेंद थ्रो करते हैं तो लालू को चलता कर सकते थे, यहां पर चूके। जिस तरह से वो फील्डिंग पर गए थे वहां से स्टंप सिर्फ एक दिखाई दे रहा था, और इसी बीच बिल्कुल करीबी मामले में बचे और यहां से रन प्राप्त हुए 1। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 7। अब नॉन स्ट्राइक एंड पर जो बल्लेबाज मौजूद थे हेमंत फ्रॉम बाथैया, अब स्ट्राइक पर पहली गेंद, क्या कमाल की शुरुआत, जी हां, फ्लैट शॉट, 6 रन। Hey!
इन बल्लेबाजों की बात करें तो क्या करें, एक शेर तो दूसरा सवा शेर, कमाल की बल्लेबाजी और कमाल का तालमेल। दोनों ने छक्के के साथ शुरुआत की है, यानी कि आप अंदाजा लगाइए 600 का स्ट्राइक रेट फिलहाल हेमंत का। और इस बार थप्पा खाने के बाद करीबी मामला हो सकता था, शायद कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है। और इसी बीच डॉट बॉल, जिस प्रकार से हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ने यहां पर दमन के युवा खिलाड़ी अनुभवी खिलाड़ियों के लिए जो एक मौका बनाकर दिया है टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए डीपीएल के माध्यम से, एक और बड़ा शॉट। जी हां, इस बार गेंद सीमा रेखा के बाहर, वन बाउंस बाउंड्री। और इसी बीच पिछली गेंद पर चौका जड़ा और चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन बिना विकेट के नुकसान पर, एक धमाकेदार शुरुआत। टॉस जीतने के बाद जो बल्लेबाजी का निर्णय लिया था शुरुआती 5 गेंद पर काफी बेहतरीन रहा इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर। और यहां पर हल्का सा पुश, जी हाँ, रनिंग बिटवीन विकेट की अगर बात की जाए तो बड़े शॉट के साथ सिंगल की भी भूख है इन बल्लेबाजों को, हर एक गेंद पर रन बनाने का प्रयास। पहली ओवर का खेल का हुआ समाप्त, पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 18 रन बिना विकेट के नुकसान पर। पॉइंट टेबल के ऊपर अगर नजर रखी जाए तो टॉस के क्रमांक पर बैठी है सोमनाथ डाटा 11 की टीम, शुरुआती 4 मुकाबले में जीत हासिल की है। यहां से सोनी वाइंस के लिए जो मौका बना था आज एक जीत हासिल करने के बाद, उनका विश्वास भी बेहतर बन चुका है। सोनी वाइंस की पास बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है, तो यहां पर अगर ये मुकाबले में 80-90 का जो स्कोर रहेगा तो निश्चित रूप से फाइटिंग होगी दोनों के बीच, रोमांचक मुकाबला होने की पूरी संभावना है। पहली ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 18 रन बिना विकेट के नुकसान पर। अब दूसरे गेंदबाज के रूप में लाया गया है मयूर को, जहां तक बात की जाए ऑलराउंडर की भूमिका में है, सोनी वाइंस ने कप्तान की जो भूमिका रहती है मयूर को सौंपी है। पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच बने थे घरेलू क्रिकेट डाबेल दरिया दिल की ओर से खेलते हैं कोड़ी समाज की ओर से। और इस बीच वाइड साइड डालने का प्रयास काफी हद तक सफल रहे, लंबे कट के गेंदबाज है और कमाल का एक्शन उनका। और यहां पर पहली गेंद डॉट, बल्लेबाज हेमंत बाहर की गेंद को छेड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। जानते हैं मयूर कि अगर बल्लेबाज की रडार में गेंद देंगे तो बल्लेबाज यहां से रन बना सकते हैं। और इसी बीच हवा में गेंद, दो फील्डरों के बीच कमी रही तालमेल की। जी हाँ, इस प्रकार का कैच अगर आप नहीं लपकेंगे तो क्या करेंगे। यतीन और रवि पॉइंट और मिड ऑफ के बीच खासतौर पर यहां पर प्रयास करना चाहिए था, यतीन को सीधे उनके पास कैच आ रही थी तो यहां पर कैच का मौका गवाया। इसी बीच एक रन चुराया, एक रन के साथ 19 रन। और यहां पर सीधे बल्ले से खेला है कवर के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर पहले से तैनात बाउंड्री लाइन की क्षेत्र रक्षा कर रहे हैं। और इसी बीच 20 रन बिना विकेट के नुकसान पर,
एक शानदार शुरुआत हो चुकी है अगली गेंद लेकर। इस बार राउंड ग्राउंड जमीन के सहारे खेल दिया था, वहां पर फील्डर तैनात दिया थी। इस बार अच्छी फील्डिंग, तेज गति की गेंद जरूर थी, पर जिस तरह से यहां पर गैप को ढूंढ निकालने में थोड़े से असफल रहे। शॉट बेहतरीन था और उससे भी बेहतरीन वहां पर फील्डिंग हुई। इसी बीच डॉट बॉल। इस ओवर की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 4 गेंदें फेंकी मयूर ने, 2 रन खर्च किए अपने साथी गेंदबाज की भरपाई करते हुए। इसी बीच ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी, वाइड का इशारा, काफी बाहर गेंद की थी और जिस तरह से अंपायर का निर्णय आखिरी माना जाएगा। रिजवान मुल्ला एक अनुभवी अंपायर है, जानते हैं टेनिस क्रिकेट में एक नया नियम सा जुड़ चुका है, पर यहां पर बल्लेबाज बिल्कुल काफी बाहर गेंद थी। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। इस बार सीधे बल्ले से खेला, डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे, मिड विकेट और फाइन लेग के बीच, वहां पर फील्डर तैनात, रनों की गुंजाइश को पूरा किया। खास तौर पर बात की जाए मयूर की तो इस ओवर में काफी बेहतरीन गेंदबाजी की है उन्होंने। 5 गेंदों में अब तक अतिरिक्त के साथ 3 रन खर्च किए, रुका हुआ स्कोर है 21 रन। आखिरी गेंद शेष है। इस बीच एक और अच्छी गेंद, हाँ ना, हाँ जी हाँ, यहां पर गलती हुई है, आत्महत्या इसे कहते हैं क्रिकेट की भाषा में, हाथों में गेंद, रन चुराने का प्रयास। पहले तो मौका मिला था इस प्रकार के रनआउट से बचने का, यहां पर कोई गुंजाइश नहीं। देर से आए हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा, फिलहाल मुकाबला जारी है सोमनाथ डाडा 11 और सोनी वाइन्स के बीच। टॉस जीता सोमनाथ डाडा 11 ने। पहली ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर था 18 रन बिना विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं इस ओवर में मयूर ने अपनी टीम को वापस लाकर खड़ा किया है। 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद फिलहाल रुका हुआ स्कोर 21 रन, रनआउट के रूप में एक बड़ी मछली जाल में लग चुकी है। प्रज्ञेश बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं, 3 गेंदों में 8 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी उन्होंने और यहां पर हुए रनआउट। इसी बीच 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 21 रन। बल्लेबाजी पर आए हैं साजन। जी हाँ, ये वही बल्लेबाज है जिन्होंने एक साथ में 4 छक्के लगाए थे, हैट्रिक। और क्या कमाल का कैच, जी हाँ, इस प्रकार के कैच लेंगे तो मैच में निश्चित रूप से आप पकड़ बना सकते हैं। बहुत ही कमाल का युवा खिलाड़ी है। इस प्रकार के युवा खिलाड़ी को यहां पर मौका दिया गया सोनी वाइन्स की ओर से, कम गेंदों में ज्यादा रन बनाने की इनकी आदत है और यहां पर जिस प्रकार से आप देख सकते हैं बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब खड़े थे और जिस प्रकार से उन्होंने एक रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ कैच लपका गया, एक छलांग लगाकर एक बेहतरीन कैच साजन को चलता किया, एक सेट बल्लेबाज जिस तरह से इस टूर्नामेंट में साजन की ओर से बल्लेबाजी हो रही थी,
कहीं ना कहीं यहां पर मैच में वापस पकड़ बनाई है, पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया है सुंदरम ने। शुरुआती ओवर में महंगे जरूर साबित हुए थे, 18 रन खर्च किए थे, फिर भी कप्तान का जो विश्वास उनके ऊपर अटल रहा। एक और सटीक गेंद, ठीक ठिकाने पर गीठी गेंद, जड़ में डालने का प्रयास वाइड साइड यॉर्कर। और इसी बीच कहीं ना कहीं पिछली जो 9 गेंदे हुई है यहां पर पकड़ बनाई है, पहली ओवर की आखिरी गेंद और उसके बाद दूसरी ओवर और यहां पर 2 ओवर 2 गेंद। और इसी बीच अपील जरूर हुई थी, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, तेज गति पर विश्वास रखते हैं और बल्लेबाजी पर आए हैं भावेश। काफी कम मौके मिले हैं यहां पर अगर देखा जाए तो सोमनाथ दादा 11 के बल्लेबाजों को। शुरुआती बल्लेबाज खासतौर पर काफी बेहतरीन शुरुआत देते हैं, यहां पर आज भी दी थी, पर जिस तरह से हड़बड़ाहट में रन आउट हुए उसके बाद साजन एक बेहतरीन शॉट लगाने के बाद भी कैच आउट हुए। इस बार एक बार फिर उत्साह ज्यादा विश्वास कम। और इसी बीच लगातार डॉट बॉल की संख्या बढ़ती हुई, फिलहाल रुका हुआ स्कोर 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर के खेल की समाप्ति के बाद अगर बात की जाए तो रनों की गति पर काफी हद तक अंकुश लगाकर रखा है। और इस बार हवा में गेंद है, फील्डर वहां पर मौजूद रवि, बावे इसको चलता किया। और जिस प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैच में पकड़ जरूर बनाई है सोनी वाइन्स के गेंदबाजों ने। शुरुआत में 18 रन खर्च करने के बाद इस प्रकार की मैच में पकड़ काफी बेहतरीन मानी जाएगी। सोमनाथ दादा 11 जो के पॉइंट टेबल पर सबसे ऊपर है। और इस ओवर की अगर बात की जाए तो 5 गेंदों में कोई रन खर्च नहीं हुए है और 2 विकेट लिए है और मेडन विकेट होने की शक्यता है। अब तक इस टूर्नामेंट में मेडन ओवर नहीं निकला है, क्या यह ओवर वो बन सकता है? पहली ओवर में 18 रन खर्च करने के बाद दूसरी ओवर में इस प्रकार की घातक गेंदबाजी हुई है। स्ट्राइक पर मौजूद है फिलहाल हेमंत। और जी हाँ, इसी बीच मौका बन सकता था रन आउट करने का और मेडन ओवर भी हो सकती थी, एक बड़ी मछली जाल में लग सकती थी। परेश बामनिया एक बेहतरीन कप्तान, इस टूर्नामेंट में 3 हैट्रिक सिक्सर जड़ चुके हैं, ऑलराउंडर प्रतिभा है। सोमनाथ डाडा 11 की ऑनर पीयूष भाई ने उनके ऊपर विश्वास जताया और उनकी टीम का कमान उनको सौंपी है। अब गेंदबाजी के रूप में लाया गया है विमल को,
जिस तरह से यहाँ पर जो गेंदबाजी हुई है, पिछली 2 ओवर की अगर बात की जाए तो 2 ओवर में 4 रन आए हैं। शुरुआती ओवर में 18 रन प्राप्त किए थे, उसके बाद पिछली 2 ओवर से 4 रन। कहीं ना कहीं सोनी वाइन्स ने मुकाबले में पकड़ बनाई है। हालांकि पॉइंट टेबल के ऊपर नजर रखी तो सोमनाथ डाटा 11 शुरुआती 4ों मुकाबले जीत में दर्ज किए हैं। अब यहां से खेल काफी बेहतरीन दिखाना होगा। और इसी बीच यहां पर हल्की सी नपितुली गेंद थी, पहला रन यहां पर प्राप्त करते हुए कप्तान। इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन। जहां तक बात की जाए इस टूर्नामेंट की, दमन प्रीमियर लीग साल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट का हमारा मुख्य स्पॉन्सर कुछ इस प्रकार है, स्मीरा जिग्नेश पटेल फ्रॉम दाबेल, 51,000 रुपये। पूर्व सांसद ऐसे श्रीमान दाहियाबाई पटेल की ओर से 51,000 रुपये। और यहां पर जो खिलाड़ियों के लिए जो ड्रेस की सेवा दी गई है, दाहियाबाई के साथी ऐसे गुलाब भाई बाबूभाई पटेल की ओर से। इसी बीच ये चौथा ओवर प्रगति पर है, शुरुआती 3ों गेंद पर सिंगल के साथ शुरुआत हुई है। और इसी बीच क्या कमाल का शॉट, मिडल ऑफ द बैट, जी हाँ मिड विकेट के ऊपर से खेला, फील्डर को बनना पड़ा दर्शक, अंपायर रिजवान मुल्ला। और इसी बीच यहां पर पॉइंट की तरफ खेल दिया हल्के हाथों से 1 रन के लिए। ये चौथा ओवर प्रगति पर है, आखिरी गेंद अभी भी अनिशेष, 32 रन रुका हुआ स्कोर 8 के। चौथी ओवर की आखिरी गेंद, और इसी बीच हल्का सा सम्मान हुई है समाप्ति ओवर की। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ जो स्कोर है 32 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, और यहां पर 8 रन की औसत से रन बना रही है। सोमनाथ डाटा 11 की अगर बात की जाए तो टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय, शुरुआत काफी बेहतरीन रही थी। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर था 18 रन बिना विकेट के नुकसान पर, और उसके बाद जिस तरह से यहां पर गेंदबाजी का प्रदर्शन हुआ है, खास तौर पर दूसरी और तीसरी ओवर मयूर और जो सुंदरम लेकर आए थे, काफी अच्छी गेंदबाजी उनकी ओर से। अब गेंदबाजी में परिवर्तन और लाया गया है मयूर को,
टीम की ओर से दूसरी ओवर जब लेकर आए थे तब स्कूल एंड से गेंदबाजी की थी उन्होंने, और यहाँ पर यह पांचवा ओवर प्रगति पर है और अब उनको लाया गया है पेवेलियन एंड से। खुद कप्तान है परेश बामनिया इस बार स्ट्राइक पर, कप्तान का सामना करेंगे कप्तान। हवा में गेंद, सुरक्षित हाथों में ये गेंद, कैच आउट, कप्तान को कप्तान ने चलता किया। और इसी बीच इस टूर्नामेंट में देखा गया है ज्यादातर कप्तान को कप्तान ने चलता किया है। रुका हुआ स्कोर 32 रन, विकेट गवा चुकी है 4। प्रारंभिक बल्लेबाज अभी भी सुरक्षित क्रीज पर मौजूद है। और इसी बीच 32 रन का रुका हुआ स्कोर, 8 रन के आसपास का औसत। स्ट्राइक पर फिलहाल मौजूद हेमंत। यहां पर हेमंत और रौनक के बीच एक साझेदारी की जरूरत है। और यहां पर गेंदबाज मयूर थोड़े से अपने पोलोट्रो में चूके। और इसी बीच एक बार फिर अपने पोलोट्रो में आगे बढ़ते हुए, फिलहाल रुका हुआ स्कोर है 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए सोमनाथ डाडा 11। प्रारंभिक बल्लेबाज अभी भी सुरक्षित क्रीज पर मौजूद। महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है 15 रनों की, एक छक्का एक चौका और सिंगल के साथ आगे बढ़ रहे है। इस बार तेज गति की गेंद, मिड विकेट और फाइन लेग की तरफ खेलने का प्रयास किया था, सही तरह से गेडर नहीं कर पाए। इसी बीच डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे 1 रन के लिए खेला गया शॉट, 1 रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन 33। और यहां पर फुलटोस गेंद जरूर थी, सही तरह से गेंद नहीं कर पाए। अंपायर का इशारा, इसी बीच लेग बाई का अंपायर परेश पटेल और रिजवान मुल्ला फिलहाल मैदान पर। और इसी बीच डाउन द ग्राउंड काफी तेजी के साथ ये गेंद गई, जी हाँ बहुत ही तेजी के साथ गई थी, पर फील्डर ने भी काफी तेजी दिखाई। उभरते हुए खिलाड़ी है, छोटे कद है, पर जिस तरह से टूट पड़ते हैं गेंद पर। आर्यन कामली एक युवा खिलाड़ी, बहुत ही कमाल का प्रदर्शन रहा है उनका। छत्तीस रन, काफी हद तक रनों की गति पर अंकुश लगाकर रखा है सोनी वाइन्स के गेंदबाजों ने। और इस बार बड़ी मछली जाल में, जी हाँ
जिस विकेट की तलाश कर रहे थे। जहां तक बात की जाए मयूर की, सोनी वाइन्स जो शुरुआती दो मुकाबले हारे थे वहां पर उनका प्रदर्शन काफी खराब रहा था, गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी। पर आज जैसे ही कप्तान की जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई और उसके बाद जो उन्होंने खेल को दिखाया है बखूबी, बहुत ही बेहतरीन खेल। और इस ओवर में अब तक दो विकेट लपक चुके हैं, कुल मिलाकर स्कोर बोर्ड पर 36 रन 36। अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं विमल, जिनके ऊपर अब काफी जिम्मेदारी। नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने के लिए आया है विमल। यह 5वां ओवर प्रगति पर है, 5वीं ओवर की आखिरी गेंद लेकर इस बार बहुत ही कमाल की ओवर रही है। उठाकर मारा है, क्या कमाल का शॉट, गेंद गई काफी ऊपर एयर होस्टेस के पास। और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की, 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 42 रन 42। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 18 रन का स्कोर था, उसके बाद काफी हद तक रनों की गति पर अंकुश लगाकर रखा है सोनी वाइन्स। जिस तरह से मयूर गेंदबाजी कर रहे थे, शुरुआती 5 गेंद पर उन्होंने अतिरिक्त के साथ 4 रन खर्च किए थे, आखिरी गेंद पर छक्का जड़ा। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 32 का स्कोर था, अब 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 42 का स्कोर। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय सोमनाथ डाडा 11। अब छठे गेंदबाज छठे ओवर लेकर आए हैं टीम के चौथे गेंदबाज हर्षल, लंबे कट के एक युवा गेंदबाज है। और इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंद थी, जड़ में डालने का प्रयास। जहां तक बात की जाए विमल की, तो उन्होंने इस इनिंग की शुरुआत छक्के के साथ की थी। और यहां पर हर्षल जो कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज है सोनी वाइन्स के, लंबे गत के युवा गेंदबाज जिनके ऊपर विश्वास रखा है, और यहां पर खड़े उतरे है कप्तान के विश्वास पर। एक और जड़ में डालने का प्रयास रहा था फील्डर वहां पर जितेश, इसी एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन। रौनक यहां पर अगली गेंद का सामना करेंगे हर्षल का। अगली गेंद लेकर इस बार जगह बना के साथ खेला है, डिक्स एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, वहां पर फील्डर मौजूद जरूर थे, पर जिस तरह से सनलाइट ब्राइटनेस काफी तेज, और यहां पर वो ब्राइटनेस को समझ नहीं पाए।
जिस तरह से यहाँ पर कैच छूटा, रन प्राप्त हुए चार, और इसी चौके की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 48। और इसी बीच एक और कमाल का शॉट। जी हाँ, इस बार तो फील्डर के पास मौका भी नहीं था गेंद को रोकने का। टप्पा खाने के बाद एक बेहतरीन उछाल। और इसी चौके के साथ 50 रन पूरे हुए, 52, 52 रन। सोमनाथ डाडा 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए। यह चौथा ओवर प्रगति पर है। इस ओवर की अगर शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआत की 3 गेंद पर 2 रन खर्च किए थे युवा तेज गेंदबाज ने। पिछली 2 गेंद पर थोड़े से लड़खड़ाए, और क्या कमाल का टाइमिंग रहा। एक जीवन दान मिला, चौका गया, उसके बाद पिछली गेंद पर भी चौका, लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़े। और इसी बीच अंपायर का इशारा आया लेग बाई का, अतिरिक्त रनों के साथ हुई है समाप्ति ओवर की। 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 53। आरडी टीम पेवेलियन में जा चुकी है 5 विकेट के नुकसान पर, टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। छह ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 53, 53 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। बाकी बचा खेल 12 गेंदों का। रौनक और विमल फिलहाल पारी को संभाल कर खेल रहे हैं। दोनों की ओर से बेहतरीन शॉट देखने को मिले इस इनिंग में। और इसी बीच गेंदबाजी में लाया गया है विमल को, और उनका स्वागत कुछ इस प्रकार हुआ है। सीधी गेंद सोमनाथ डाडा 11 के डगआउट में 6 रन के लिए। और इसी बीच कैच ड्रॉप हुआ था रौनक का, उसके बाद चौका गया था, फिर उसके बाद एक और चौका गया, फिर आखिरी गेंद पर लेग बाई के रूप में सिंगल छुड़ाया, और इस ओवर की शुरुआती गेंद पर छक्का जड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी। और इसी बीच हवा में गेंद थी, फील्डर से थोड़ी सी चूक हुई, यटीन वहां पर फील्डर मौजूद, और एक एक के साथ यहां पर आगे बढ़ता हुआ स्कोर 61, 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस इनिंग की 9 गेंदें अनिशेष है। एक और बड़ा शॉट, जी हाँ, गेंद गई है काफी ऊपर सीधी 6 रनों के लिए। और जिस तरह से यहां पर बल्लेबाज के स्लॉट में गेंद दी थी, और बल्लेबाज ने गेंद को पार्किंग प्लॉट में भेज दिया 6 रनों के लिए।
बहुत ही कमाल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। आज शुरुआती बल्लेबाज ने भी शुरुआत अच्छी दी थी, पर उसके बाद जिस तरह से विकेट का सिलसिला जारी रहा, यहाँ पर जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है उन्होंने बखूबी यहाँ पर अपना रोल निभाया है। और इसी बीच अंपायर का इशारा है बाई का। 9 गेंदों में 22 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है रौनक के द्वारा। बहुत ही शानदार फील्डर भी माने जाते हैं। इस मुकाबले में हमने देखा है टूर्नामेंट में काफी बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन उनकी ओर से। इसी बीच इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर एक और हवाई फायर, हवा में गेंद, फील्डर वहां पर तैनात प्रशांत मांगेला, सुरक्षित हाथों में कैच जाता हुआ। इसी बीच विमल की विकेट का हुआ पतन। और इसी बीच 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 7 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 68 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 6 गेंदे अनिशेष, गेंदबाजी लेकर आए हैं हर्षल। फिलहाल स्ट्राइक पर मौजूद कपिल विमल के आउट होने पर आए हैं। पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर विमल का विकेट प्राप्त किया विमल ने। और इसी बीच बहुत ही कमाल का शॉट पॉइंट और गली के बीच खेल दिया। वहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट की अगर बात की जाए तो क्या कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट रही। जिस तरह से यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट हुई है दोनों के बीच, बहुत ही तेजी दिखाई। और इसी 3 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 71। और इसी बीच अगली गेंद लेकर और इसी बीच अंपायर यहां पर कसरत करते हुए वाइड का इशारा। अतिरिक्त के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन 72। अभी भी इस इनिंग का 5 गेंदों का खेल अनिशेष है। बल्लेबाजी कर रहे हैं रौनक। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी उनकी ओर से खेली गई है। 9 गेंदों में 22 रनों की महत्वपूर्ण पारी, 2 छक्के 2 चौके इस पारी में शामिल। और यहां पर कहीं ना कहीं गेंदबाज अपने रनअप में थोड़ी से चूके। नतीजा एक बार फिर वापस अपने पॉलोट्रो में आगे बढ़ते हुए। अगली गेंद लेकर और इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, वहां पर फील्डर मौजूद जीतेश। काफी बड़े हाथ है उनके, पर यहां से कैच निकलता हुआ। ग्राउंड फील्डिंग की अगर बात की जाए तो थोड़ी सी नाखुश जरूर किए हैं सोनी वाइन्स के फील्डरों ने। जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो सोमनाथ दादा 11 के जो बल्लेबाज है उनको जो मौके मिले हैं अब तक, सबसे ज्यादा मौके उनको मिले हैं और मौके पर चौके भी लगाए हैं बल्लेबाजों ने।
73 जो है फिलहाल स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 4 गेंदों का खेल अनिशेष है। स्ट्राइक पर मौजूद कपिल और यहां पर एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। तेज गति की गेंद गई थी, इस बार काफी तेजी के साथ थ्रो दिया। आर्यन जहां तक सवाल है, रन बनाने की क्षमता भी है और रन रोकने की क्षमता भी उनके पास मौजूद। एक बेहतरीन बैट्समैन और एक अच्छे फील्डर। रन इस बार तेज गति की गेंद थोड़ी सी दिशाहीन। एक बार फिर अपना अंपायर अपनी बाहें फैलाते हुए वाइड का इशारा, अंपायर रिजवान मुल्ला। और अभी भी 2 गेंदों का खेल अनिशेष है। 75 रुका हुआ स्कोर। इस इनिंग की आखिरी 2 गेंद शेष। स्ट्राइक पर मौजूद रौनक। 11 गेंदों में 23 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली गई है उनकी ओर से। करीबन 200 के आसपास का स्ट्राइक रेट। और इसी बीच हवाई फायर करना चाहते थे, यहां पर मयूर के द्वारा कोई गलती की गुंजाइश नहीं। कप्तान है, खुद जानते हैं कि कैच कितना महत्वपूर्ण है। रन भी रोका जा सकता है और विकेट भी प्राप्त करने का मौका मिलता है। और इसी बीच अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं सोहिल। मौका है यहां पर दौड़ने का, बाघ मिल्खा बाघ की तरह यहां पर रनिंग करनी होगी उनको। आखिरी गेंद अनिशेष है इस इनिंग की। 75 रुका हुआ स्कोर। और यहां पर फुल टॉस बनाकर खेला, हवा में गेंद सुरक्षित हाथों में, बेहतरीन कैच लपका गया। आखिरी 2 गेंद पर 2 कैच आउट। कहीं ना कहीं इस 2 गेंद पर अगर थोड़े से रन प्राप्त करते तो अच्छा रहता, 10 के आसपास के औसत के बिल्कुल करीब बना पाती। और इसी बीच इस इनिंग की हुई समाप्ति। 75 रन बनाए जीतने के लिए 76 का लक्ष्य। और इसके बाद जो मुकाबला होगा, आज के दिन का 6ठा मुकाबला, ऋषि 11 और शिव शक्ति लायंस के बीच। दोनों टीमों के कप्तान से निवेदन है कि टॉस की गतिविधि के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए। और इसी बीच जिस प्रकार से टॉस हुआ था, टॉस जीता था सोमनाथ डाडा 11 ने। और पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए 75, जीतने के लिए 76 का लक्ष्य, बिल्कुल 10 के अंदर का औसत है। और इसी बीच पॉइंट टेबल के ऊपर अगर नजर रखकर जाए तो टॉस के क्रमांक पर बैठी हुई टीम है सोमनाथ डाडा 11। शुरुआती 4ों मुकाबले में जीत दर्ज की है उन्होंने।
यहाँ पर पांचवा मुकाबला खेल रही है। और सोनी वाइन्स की अगर बात की जाए तो सोनी वाइन्स शुरुआती दो मुकाबले में हार का सामना करने के बाद आज के दिन जीत हासिल की थी और अब दो प्रारंभिक बल्लेबाज का इंतजार हो रहा है। सोनी वाइन्स के कप्तान से निवेदन है कि उनके दो प्रारंभिक बल्लेबाज को जल्द से जल्द भेजा जाए। मुकाबला काफी रोमांचक होने की संभावना है। अच्छे बल्लेबाज है टीम में मौजूद सोनी वाइन्स के, तो यहां पर सोमनाथ दादा इलेवन के पास काफी अच्छे गेंदबाज मौजूद। यहां से अगर जीत हासिल करेगी तो एक मजबूत मनोबल के साथ आगे बढ़ेगी इस टूर्नामेंट में। जहां तक बात कीजिए आज के दिन के जो पहला मुकाबला हुआ था सोनी वाइन्स का, बहुत ही कमाल की जीत हासिल की थी। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज ने बेहतरीन बल्लेबाजी दिखाई थी। मैन ऑफ द मैच बने थे मयूर, 46 रनों की महत्वपूर्ण पारी उन्होंने खेली थी अपनी टीम के लिए। जहां तक बात की जाए इस मैदान के ग्राउंडमैन की, तो जयंती लाल बहुत ही अनुभव इस मैदान से। और इस टूर्नामेंट के हमारे मुख्य स्पॉन्सर कुछ इस प्रकार है, स्मीरा जिग्नेश पटेल फ्रॉम दाबेल की ओर से 51,000 रुपए, पूर्व सांसद ऐसे श्रीमान डाहिया भाई पटेल की ओर से 51,000 रुपए। और यहां पर खिलाड़ियों के लिए जो ट्रैक सूट दिया गया है ऐसे ढाया भाई के साथ ही ऐसे श्रीमान गुलाब भाई बाबू भाई पटेल की ओर से, इन सभी डाटाओं का धन्यवाद। गेंदबाजी पर आए हैं प्रवीण उभरते हो। और इसी बीच प्रारंभिक स्ट्राइकर बल्लेबाज संगम फ्रॉम करैया मांगलवार गेंदबाजी लेकर प्रवीण दलवाड़ा के घरेलू कप्तान है। और इसी बीच पहली गेंद पर पहला रन प्राप्त करते हुए और इसी रन के साथ अकाउंट शुरू हो चुका है सोनी वाइन्स का भी और संगम का भी। हाँ, इसके बाद जो मुकाबला होगा ऋषि इलेवन और शिवशक्ति लायंस के बीच, दोनों टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आए। और इस बार धीमी गति की गेंद से पूरी तरह से चौंकाया विकेट कीपर विमल टंडेल, बिल्कुल करीब। इस बार डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद, थोड़ी सी मिस फील्डिंग जरूर रही पर एक रन से नहीं रोक पाएंगे। इसी एक एक रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपना अकाउंट शुरू किया है। 76 का लक्ष्य है, यानी कि प्रति ओवर एक दो बड़े हिट लगाने की जरूरत है। और इसी बीच शायद करीबी मामला हो सकता था, वहां पर
अच्छी गेंदबाजी पूरी तरह से बल्लेबाज के रेंज से बाहर डालने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी बीच अगली गेंद लेकर इस बार जड़ में डालने का प्रयास, हुई मिस फील्डिंग। जी हाँ, यहां पर साथी फील्डर ने एक बेहतरीन बैकअप दिया। निश्चित स्वरूप से लॉन्ग ऑन की जो टीसीआर के अंदर जो खड़े हैं फील्डर साजन, आज बल्लेबाजी में भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और यहां पर थोड़ी सी मिसफील्डिंग, थोड़ा सा दबाव का सामना कर रहे हैं। और इसी बीच 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन। और इस बार सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑफ के फील्डर वहां पर मौजूद। और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की, पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 5 रन, एक धीमी शुरुआत। जिस तरह से 76 का जो लक्ष्य है यहां पर पूरा करने के लिए प्रति ओवर छक्के छक्के चाहिए। सोनी वाइन्स के पास काफी बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है। जहां तक डीपीएल का जो सपना देखा गया था, इसे हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, मोहन भाई वी पटेल, भरत भाई पटेल, लक्ष्मण भाई बी पटेल, अशोक भाई एम पटेल, दीपक भाई के पटेल, अमृतलाल एल पटेल और अरविंद पटेल कामली, ये हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी दमन के खिलाड़ियों के लिए टेनिस क्रिकेट में यहां पर मौका बनाकर दिया। डीपीएल के रूप में इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो शुरुआत हुई थी 10 मार्च, यानी कि हमारे पूर्व सांसद ऐसे श्रीमान दाहिया भाई के जन्मदिन के मौके पर। इसके बाद जो मुकाबला होगा डीसी 11 और शिव शक्ति लायंस, अपने कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आए। और इसी बीच हल्का सा कट पॉइंट की तरफ खेल दिया 1 रन के लिए, कपिल गेंदबाजी लेकर जो आए हैं। आगे बढ़ता हुआ स्कोर है 6 रन। और इसी बीच अगली गेंद लेकर, और यहां पर रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट करना चाहते थे, पूरी तरह से चूके बल्लेबाज के साथ, विकेट कीपर के पास भी मौका नहीं था। जिस प्रकार से जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, काफी अच्छी विकेट कीपिंग तो की जा रही है विमल के द्वारा, अच्छा प्रयास। इस बार फुल टॉस तो दी है पर गेंद गई है हवा में, फील्डर वहां पर मौजूद रौनक, बहुत ही कमाल के फील्डर है। जी हाँ, इनको देखा है फील्डिंग करते हुए, कमाल के फील्डर, एक सुरक्षित हाथों में कैच। जिस प्रकार से आउट होने वाले खिलाड़ी संगम मांगेला, गर्ल क्रिकेट कड़िया मांगेलवार की ओर से खेलते हैं, यहां पर जो मौका दिया था उनको थोड़े से असफल रहे। 6 गेंदों में 5 रन बनाए, सिंगल डबल के साथ शुरुआत हुई थी। अब जो बल्लेबाज आए हैं प्रशांत, इनका बल्ला
इस टूर्नामेंट में शांत है और यहां पर खड़े खड़े खेल दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे चार रनों के लिए। तक बात हो रही थी प्रशांत की, उनका बल्ला यहां पर शांत है। वो घरेलू क्रिकेट कच्ची गांव की ओर से खेलते तो हुए पर गुजरात और महाराष्ट्र में काफी चर्चे में रहते हैं। यहां पर इस मौके पर जो उनको मौका दिया गया है सोनी वायंस के लिए, यहां खड़े उतरना होगा। और इस बीच क्या कमाल का शॉट, मिडल ऑफ द बैट, जी हाँ 6 रन। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है यहां पर मयूर के द्वारा। पहले मुकाबले में आज के दिन मैन ऑफ द मैच भी बने थे, 46 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी उन्होंने 18 गेंदों में। आरसीबी च फुलटॉस गेंद जरूर थी, डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे 1 रन के लिए खेला गया शॉट। ऋषि इलेवन के कप्तान प्लीज कमेंट द कमेंट्री बॉक्स। और इसी बीच पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ, 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जहां तक बात की जाए यह टूर्नामेंट यूट्यूब पर लाइव भी आप देख सकते हैं DBN के माध्यम से। फिलहाल क्रिक हीरोज पर भी ये मुकाबला दिया जा रहा है। जहां तक बात की जाए फिलहाल 670 व्यूवर्स है यहां पर यूट्यूब लाइव में, सुबह से 17,385 व्यूवर्स देख चुके हैं ये मुकाबला दमन प्रीमियर लीग के रूप में। इस ओवर की शुरुआत सिंगल के साथ, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। प्रवीण इस बार प्रशांत को तेजी के साथ ये गेंद गई तो जरूर थी, पर क्या कमाल के फील्डर है। मैंने आपसे ही पहले ही कहा था हर पट्टी समाज के बहुत ही बेहतरीन फील्डरों में से एक है रौनक बखूबी। यहां पर जो उनको सोमनाथ डाडा 11 के ऑनर ने जो उनकी पसंदगी की थी, बहुत ही बेहतरीन खेल दिखाया उन्होंने अब तक। एक एक के साथ यहां पर शुरुआत हो चुकी है इस ओवर की, जड़ में डालने का प्रयास, काफी हद तक अच्छी गेंदबाजी। जहां तक बात की जाए प्रवीण पटेल की, घरेलू क्रिकेट डलवाड़ा कोड़ी समाज के कप्तान है, यहां पर DPL के माध्यम से सम्राट डाडा 11 के खिलाड़ी 21 रन रुका हुआ स्कोर, 9 बॉल और यहां पर गेंद गई है हवा में, जी हां 7 रन हमें तो 9 बॉल ने लूटा। जिस तरह से इस ओवर की शुरुआती तीनों गेंद पर सिंगल आए थे, हमें तो 9 बॉल ने लूटा। बल्लेबाजों में कहां दम था, मेरा पैर भी वहां गिरा जहां चूना कम था। और फ्री हिट का मौका था पर यहां पर एक लोअर फुलटॉस के रूप में फेंकी गई गेंद, बल्ले के अंदरूनी हिस्से में लगी थी ये गेंद। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन 76 का पीछा हो रहा है। प्रति ओवर एक बाउंड्री चाहिए यहां पर, फिलहाल अच्छी स्थिति में।
ये तीसरा ओवर प्रगति पर है और रन स्कोरबोर्ड पर 30 रन प्राप्त हो चुके हैं। 10 रन की औसत के अंदर का औसत चाहिए और यहां पर दोनों टीमों के पास अभी भी मौके हैं। ये तीसरी ओवर की आखिरी गेंद अगर बात की जाए, इस ओवर की जो नॉबॉल किया था प्रवीण ने वो थोड़ा सा महंगा जरूर साबित रहा। एक और शक्ति प्रदर्शन, जी हाँ मैंने आपसे पहले ही कहा था प्रशांत मांगेला एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, सोनी वाइन्स की पसंद प्रथम पसंद की थी वो। छत्तीस रन 36। अब खेल कुछ इस प्रकार बाकी है, 5 ओवर का खेल अनिशेष, समय हो चुका है उल्टी गिनती करने का। 30 गेंद जीतने के लिए रन चाहिए 40, 30 गेंद में 40 रनों की आवश्यकता। यहां से सोमनाथ डाडा 11 के गेंदबाज को कुछ कमाल करना होगा। गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो आने वाले गेंदबाजों में हेमंत और कप्तान खुद परेश बामनिया बाकी है अभी भी। गेंदबाजी में भी काफी हद तक अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं सोमनाथ डाडा 11। शुरुआती 4 मुकाबले में जीत हासिल की थी, यहां पर ये 5वां मुकाबला खेल रही है। और जिस तरह से मयूर शुरुआती 2 मुकाबले में खराब प्रदर्शन कर रहे थे गेंदबाजी और बल्लेबाजी में, आज के दिन उनको कप्तानी सौंपी गई और बखूबी कप्तानी कई यहां पर पारी खेली है। पहले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच बने थे, 46 रन बनाए थे और यहां पर सुरक्षित क्रीज पर अभी भी मौजूद। और यहां पर उल्टा शॉट खेलने का प्रयास, जब आप सीधे बल्ले से रन बना रहे हैं तो उल्टा क्यों करना, सीधी उंगली से जब घी निकल रहा है तो टेढ़ी उंगली क्यों करना। आपको यहां पर सेट होना पड़ेगा, सेट आप हो रहे हैं यानी कि आपको अब घी को गर्म करने का समय है। अगली गेंद लेकर 37 हेमंत, बल्लेबाजी में काफी हद तक अच्छा प्रदर्शन रहा था उनका। हवा में गेंद, फाइन लेग के फील्डर सोहिल टंडेल जिन्होंने गलती नहीं की, यहां पर यह कैच लपका गया सोहिल टंडेल की ओर से, बेहतरीन कैच फाइन लेग के दिशा में, प्रशांत के रूप में एक बड़ा झटका, बड़ी मछली जाल में। जहां तक सोनी वाइन्स की बात की जाए, बल्लेबाजों में काफी गहराई है। फिलहाल आए हैं जितेश, घरेलू क्रिकेट जीतू दलवाड़ा की टीम से खेलते हैं, पिछले साल केपीएल में जानवी डेवलपर्स की ओर से मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे थे। और इसी बीच एक सफलता प्राप्त करने के बाद हेमंत एक और हवाई फायर, जी हां यहां पर गलती हुई है विकेट कीपर से विमल, स्टंप के बिल्कुल करीब अच्छी कीपिंग कर रहे थे पर यहां पर रनिंग के साथ कैच लपकने का प्रयास किया था, कैच बना भी लिया था पर जब वो गिरे तो कैच को संभाल नहीं पाए और उन्होंने कैच ड्रॉप किया मयूर का। और मयूर आज के दिन उनका दिन है, पहले मुकाबले में 18 गेंदों में 46 रनों की महत्वपूर्ण पारी नॉट आउट के रूप में खेली गई थी।
ओह माय गॉड, यहां पर मौका नहीं दिया। हेमंत अपने फील्डर से थोड़े से नाखुश थे। यहां पर क्लीन बोल्ड, यू मिस आई हिट वाली गेंद थी। क्या इस मुकाबले में अभी भी जान बाकी है? वैसे भी क्रिकेट अनिश्चित से बड़ा हुआ खेल है। खेलने का मजा तब आता है जब सामने वाले का लक खुद से ज्यादा हो। जहां तक बात की जाए मयूर की, 12 गेंदों में 16 रनों की पारी खेली उन्होंने। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में गए थे। अब बल्लेबाजी करेंगे रवि। जहां तक बात की जाए रवि की, घरेलू क्रिकेट दमन सोलंकी समाज से खेलते हैं। इसी बीच हर ओवर यहां पर एक इनिंग 40 मिनट की रहेगी। अगर उससे ज्यादा जाएगी तो पेनल्टी के रूप में लग सकती है। अंपायर बहुत ही चौकन्ने है। जिस प्रकार से कल के दिन के जो मुकाबले, 6 मुकाबले होने वाले थे, समय ज्यादा निकला था और आखिरी मुकाबला नहीं हो पाया था। यानी कि अब एक नियम सा जुड़ चुका है, हर एक इनिंग 40 मिनट की रहेगी। अगर उससे ज्यादा रहेगी तो फील्डिंग कर रही टीम को पेनल्टी लगेगी। और यहां पर खुद पॉलोट्रॉन में कैच लपकने का प्रयास। फील्डर और जिस तरह से विकेट कीपिंग में हल्का सा बदलाव, फाइन लेग के फील्डर सोहिल को लाया गया है। एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 38। यह चौथा ओवर प्रगति पर, आखिरी गेंद अनिशेष। अब तक 5 गेंदों में 2 रन खर्च किए। इस बार हल्का सा सम्मान दीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेल दिया, डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे 1 रन के लिए। इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 39 रन। औसत तो बेहतरीन चल रहा है पर थोड़ा सा विकेट यहां पर ज्यादा गवाई। 24 गेंदों का खेल अनिशेष है और बाकी बची 24 गेंदों में जीतने के लिए 37 रनों की आवश्यकता है। शुरुआती 4 ओवर में रन बनाए 39। और यहां पर तोस की गतिविधि पूर्ण हुई। और पार्किंग में जो एक गाड़ी है इनोवा 1151, उनके जो ऑनर है, अगर उनको मेरी आवाज आ रही तो उनकी गाड़ी थोड़ी सी साइड ले, दूसरी गाड़ी को निकालने के लिए थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो रही है। 1191 इनोवा। और इसी बीच हम खेल में वापस आते हैं। फिलहाल ये मुकाबला जारी सोनी वाइन्स और सोमनाथ डाडा 11 के बीच। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए सोमनाथ डाडा 11 ने 8 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए थे 75।
76 का पीछा करते करते 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए 39, 3 विकेट के नुकसान पर। बाकी बचा खेल 24 गेंदों का, 24 गेंदों में जीतने के लिए 37। पहली गेंद क्या कमाल का शॉट, जी हाँ मिडल ऑफ द बैट, एक थप्पड़ सा लगाया गेंद को पॉइंट के ऊपर से, फील्डर को बनना पड़ा दर्शक। इस बीच बहुत ही कमाल का टाइमिंग रहा जीटू का, चौका बटोरा, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन 43। एक बार फिर बेहतरीन शॉट डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे, फील्डर वहां पर मौजूद भावेश टंडेल, अच्छी फील्डिंग, बल्लेबाजी में कमाल नहीं कर पाए थे, यहां पर अच्छी फील्डिंग करने का प्रयास। जहां तक बात की जाए सोमनाथ डाडा की, उनके कप्तान खुद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, 5वां ओवर प्रगति पर है, 2 गेंद पर 5 रन खर्च किए हैं, 5वीं ओवर की 3री गेंद लेकर स्ट्राइक पर रवि। इस बार डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद लालू, 1 रन से नहीं रोक सकेंगे, इसी 1 रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन 44, 3 विकेट के नुकसान पर। सॉरी 45 रन। और इसी बीच हल्के हाथों से खेला 1 रन के लिए, और इसी बीच डॉट बॉल, और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की, इस ओवर के आखिरी 2 गेंदे डॉट। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 46, 46 रन। अब खेल बचा है 18 गेंदों का, समय हो चुका है उल्टी गिनती करने का, 18 गेंद, जीतने के लिए रन चाहिए 30, यानी कि प्रति ओवर 10 का औसत। एक साफ रणनीति सोनी वायंस की ओर से रन बनाने का प्रयास, और सोमनाथ डाटा 11 की ओर से रन रोकने का। पिछली 2 ओवर की अगर बात की जाए तो बहुत ही अच्छी ओवर रही, दो पहले हेमंत ने अपने कोठे की पहली ओवर में 3 रन खर्च करके 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए थे, और यहां पर परेश बामनिया, विकेट भले हाथों में ना लगी हो पर किफायती गेंदबाजी, 7 रन खर्च किए, जबकि उनका जर्सी नंबर भी 7 है। और इस बीच एक बार फिर सफल गेंदबाज की तरफ गए हैं हेमंत फ्रॉम बाठैया, एक बेहतरीन ऑलराउंडर की भूमिका में है फिलहाल सोमनाथ डाडा 11 के लिए। क्या कमाल की पारी भी खेली थी उन्होंने, 18 रन 16 गेंदों में बनाए थे अपनी टीम के लिए। यहां पर अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, बल्लेबाजी पर है जीटू, मैन फ्रॉम दलवाड़ा, दमखम है बड़े शॉट खेलने की, और जी हां हवा में गेंद, वहां पर फील्डर तैनात, सनलाइट ब्राइट जरूर हुई थी पर कैच बेहतरीन लपका।
जी हाँ, जिस प्रकार से यहाँ पर जीटू की विकेट का पतन हुआ, एक बड़ी मछली जाल में बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास, दीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर ने जिस प्रकार से कैच लपका गया। कपिल एक शानदार युवा खिलाड़ी सोमना डाडा 11 के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पहली गेंद पर सफलता प्राप्त करने के बाद 10 गेंदों का 17 गेंदों का खेल अनिशेष है। जीतने के लिए रन चाहिए 30 प्रति ओवर 10 के आसपास का औसत। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन यहां पर सोनी वाइन्स के लिए। यहां से अगर ये मुकाबला निकालती है तो आत्मबल उनका मजबूत स्थिति में आ सकता है। शुरुआती दो मुकाबले हारने के बाद जिस तरह से आज के दिन जीत हासिल की थी उन्होंने, यहां पर भी इस मुकाबले में पकड़ है अभी भी उनकी। दोनों टीमों के पास मौका है, खेलने का मजा तब आता है जब सामने वाले का लक खुद से ज्यादा हो। हेमंत एक सफल गेंदबाज, 3 विकेट ले चुके हैं अब तक। तेज गति की गेंद, ओह माय गॉड, बल्ले का बाहरी किनारा। जहां तक बात की जाए बल्लेबाजों की, सोनी वाइन्स के पास काफी बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है, गहराई है बल्लेबाजों में। नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं आर्यन कामली, एक उभरते हुए युवा बल्लेबाज है। और गेंदबाज यहां पर हेमंत की बात की जाए तो ऑन हैट्रिक पर खड़े हैं अब। इस टूर्नामेंट पे पहला हैट्रिक लिया था शिव शक्ति लायंस के गेंदबाज विशाल ने, और हैट्रिक विकेट के लिए इनाम भी रखा गया है। कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट लेंगे तो जेडी किंग्स के ऑनर जिगू भाई के द्वारा 2100 रुपये नकद दिए जा रहे हैं। जहां तक सवाल है हैट्रिक सिक्सर का, अब तक इस टूर्नामेंट में 60 बल्लेबाजों ने हैट्रिक सिक्स लगाए हैं, उनको 2100 रुपये नकद दिए जाएंगे। हैट्रिक विकेट हो या हैट्रिक छक्का, दोनों के लिए जीगू भाई जेडी किंग्स के ऑनर पहला हैट्रिक विशाल मांगेला शिव शक्ति लायंस की ओर से ले चुके हैं। और इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक भी शिव शक्ति लायंस के बल्लेबाज अभिषेक मांगेला ने लगाया था। और इसी बीच ऑन हैट्रिक पर खड़े थे गेंदबाज, यहां पर अच्छी गेंद दौड़ रही। अभी भी इस ओवर की 3 गेंद अनिशेष है, 15 गेंदों में 30 रन, यानी कि हर एक गेंद पर 2 रन। हालांकि दमखम है बल्लेबाजों में, यहां पर पुरवार करना होगा, सिद्ध करना होगा कि क्यों उनको यहां पर मौका दिया गया। और जी हाँ, हैट्रिक तो नहीं मिला था पर यहां पर इस ओवर का 3रा विकेट जरूर मिलेगा। एक कंप्लीट ऑलराउंडर की भूमिका में, जहां तक बात की जाए हेमंत की, 5 विकेट होल बन चुके हैं, 5 विकेट इस मुकाबले में ले चुके हैं। पहली ओवर में भी जब आए थे तो कमाल की हेमंत जब टीम की ओर से गेंदबाजी लेकर आए थे, चौथा ओवर 3 रन खर्च करके 2 सफलता प्राप्त की थी। कुल मिलाकर हेमंत ने अब तक 10 गेंदें फेंकी है,
और 10 गेंदों में 3 रन खर्च किए हैं और 5 विकेट लिए हैं। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, पूरी तरह से बांध के रखा। ज्यादातर ये छोटा फॉर्मेट वाला जो खेल रहता है, क्रिकेट इज ऑलवेज बैट्समैन गेम, बट सम बॉलर्स जिन्होंने क्रिकेट को अभी भी जिंदा रखा है, और यहां पर ये टीम जिनको आज मौका मिला इस टूर्नामेंट में, दूसरा मौका दिया गया है ये टीम को, और इसी सिंगल के साथ उनका अकाउंट शुरू हुआ। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 47। हेमंत इस ओवर की अगली गेंद लेकर स्ट्राइक पर मौजूद। रवि रवि अगर आखिरी गेंद तक खेलेंगे तो कुछ हो सकता है। जी हाँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये बल्लेबाज खड़े खड़े बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। नॉक नॉक, तेरा बाप आया। बारह गेंदों का खेल अनिशेष है, और 12 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 23। जी हाँ, जिस प्रकार से यहाँ पर हेमंत ने गेंदबाजी की थी, शुरुआती 11 गेंदों में उन्होंने रन खर्च किए थे 4, आखिरी गेंद पर छक्का बटोरा, यानी कि अपने 2 ओवर के कोठे में 10 रन खर्च करके 5 विकेट लिए। अब गेंदबाजी पर आए हैं खुद कप्तान परेश बामनिया, यहां से कितने रन बनाए बचाएंगे अपने टीम के लिए देखना जरूरी रहेगा। वैसे भी अगर क्रिकेट की बात की जाए तो क्रिकेट उन्हीं छोटे से बड़ा हुआ खेल है, क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और यहां पर परेश बामनिया पहली ओवर लेकर जब आए थे, विकेट उनके हाथों में लगी नहीं थी, पर 7 रन किफायती गेंदबाजी रही थी। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 53 रन 6 विकेट के नुकसान पर। यतीन और रवि फिलहाल पारी को संभाल कर खेल रहे हैं सोनी वाइन्स के लिए, और यहां पर हवा में गेंद 1 रन के साथ स्ट्राइक, साथ ही खिलाड़ी को रोटेट करते हुए 1 रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 54 54 रन। कुल मिलाकर 11 गेंदों का खेल अनिशेष है, 11 गेंदों में जीतने के लिए 22 रन, यानी कि हर एक गेंद पर 2 रन। जहां तक बात की जाए रवि की, पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट मिड विकेट के ऊपर से खेला था 6 रनों के लिए, सोनी वाइन्स की आशा अभी भी जीवन थे। हर एक गेंद के साथ खेल करीब आता हुआ, ये आज के दिन का 5वां मुकाबला। इस बार डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे मिड विकेट की तरफ खेल दिया है, वहां पर फील्डर तैनात, और इसी बीच बेहतरीन फील्डिंग खासतौर पर देखा गया है। ग्राउंड फील्डिंग की अगर बात की जाए तो TCR के सर्कल के बाहर जो युवा खिलाड़ी है सोमनाथ डाडा 11 के, कपिल, रौनक, साजन, प्रज्ञेश और भावेश, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग अब तक दिखाई है उन्होंने, और TCR के अंदर के भी फील्डर ने भी काफी बेहतरीन मेहनत की है। इसी बीच फुलटॉस गेंद थी, डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे खेला, 1 रन चुराया, और जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा था फील्डिंग जो एक बहुत ही बेहतरीन खासियत रही है सोमनाथ डाडा 11 की, 100 के ऊपर भी अगर रन बनाते हो तो फील्डिंग में पूरी जी जान डालते हैं, तो यहां पर तो स्कोर हुआ था 75 का, यहां पर दुगनी जान लगाते हुए। अभी भी मौका बन सकता है सोनी वाइन्स के लिए, 76 का पीछा हो रहा है, 20 रन दूर अभी भी जीत से। एक बार फिर डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे खेला है तेजी के साथ, 1 रन, और 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 57।
कुल मिलाकर 8 गेंदों का खेल अनिशेष है। 8 गेंदों में जीतने के लिए 19 रनों की आवश्यकता है। इस 2 गेंद पर अगर एक बड़ा शॉट मिलता है तो कुछ बात बन सकती है, यकीन यही मौका है चौका लगाने का। और वहां पर गेंदबाज परेश बामनिया, खुद कप्तान है सोमनाथ डाडा 11 के, जानते हैं कि इस मौके पर किस प्रकार की गेंदबाजी करनी है। जी हाँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था जिस प्रकार से उन्होंने गेंदबाजी की थी, पहले ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च किए थे, यहां पर 5 गेंदें फेंकी, रन खर्च किए 4। तो जो परेश और हेमंत की जो गेंदबाजी रही है, और यहां पर एक और अच्छी फील्डिंग, इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की, और परेश ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की अपने 2 ओवर के कोठे में। विकेट भले उनके हाथों में ना लगा हो, पर 12 रन, एक किफायती गेंदबाजी, और हेमंत ने भी बहुत ही किफायती गेंदबाजी की थी। 2 ओवर के कोठे में 10 रन खर्च किए थे, 5 विकेट लिए थे, कुल मिलाकर इन दोनों की 24 गेंदों में 22 रन। और यहां पर जिस प्रकार से जब फील्डिंग कर रही थी टीम सोनी वाइन्स, मिस फील्डिंग की थी, और जो आखिर में जो बल्लेबाज आए थे रौनक, उनको जो मौका मिला था कम गेंद पर ज्यादा रन बनाने का, कहीं ना कहीं वो रन यहां पर काम आते हुए। 6 गेंद जीतने के लिए रन चाहिए 18, 3 छक्के। जी हाँ, शक्ति प्रदर्शन करना होगा, एक लंबी सांस के साथ यहां पर यतीन को बल्ला चलाना रहेगा। और यहां पर बल्ले का बाहरी किनारा, जी हाँ बल्ला घुमाया तो था पर बाहरी किनारे पर लगी, 7वीं विकेट का बदन। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं सुंदरम। और जहां तक बात की जाए सुंदरम की, 7 विकेट गए हैं अभी भी। जहां तक बात की जाए सुंदरम की, बेहतरीन ऑलराउंडर भूमिका में है, क्षमता है इनके पास बड़े शॉट खेलने की, यहां पर सिद्ध करना होगा। अगर यहां से अपनी टीम के लिए रन बनाएंगे तो निश्चित स्वरूप से उनको आगे आने का मौका मिलेगा बल्लेबाजी में। जी हां, मैंने आपसे पहले ही कहा था क्षमता है इन बल्लेबाज के पास बड़े शॉट खेलने की। खेल को कुछ इस प्रकार बाकी है, 4 गेंद जीतने के लिए रन चाहिए 12। जिस तरह से सोनी वाइन्स के पास बल्लेबाजी की जो गहराई है काफी लंबा, इस बार सीधे बल्ले से पहली गेंद पर जो प्रहार किया 6 रनों के लिए, 600 का स्ट्राइक रेट सुंदरम का। 4 गेंद जीतने के लिए रन चाहिए 12। जी हाँ, रोमांचक मुकाबला, सोमनाथ डाडा एक और हवाई फायर करना चाहते थे और यहां पर सुंदरम को किया चलता, विकेट नंबर 8 का पतन हुआ, 64 रन 8 विकेट के नुकसान पर। तीन गेंद 12 रन, 3 चौके या 2 छक्के, 9 बॉल, फ्री हिट की आशा अभी भी जीवंत है। एक गलती यहां पर हार का सामना करा सकती है टीम को। 3 गेंद 12 रन,
और बल्लेबाजी पर है रवि, इनके पास भी क्षमता है। जिस प्रकार से हेमंत की आखिरी गेंद पर जो छक्का जड़ा था मिड विकेट के ऊपर से, तो यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक जरूर रही। एक शानदार शुरुआत हुई थी, 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर था 36 रन, 36, 12 रन प्रति रन रेट का औसत प्राप्त किया था। और इस बार डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, हुई है गलती फील्डर से। जी हाँ, दो फील्डर को चीरती हुई है गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर रफ चक्कर हुई, 4 रन। खेल कुछ इस प्रकार बाकी है, 2 गेंद जीतने के लिए रन चाहिए 8। हार्ट अटैक के दर्शकों से निवेदन करता हूं, थोड़े देर के लिए आप अपने आंख और कान बंद कर लीजिए, आगे बेहद रोमांचक मुकाबला होने वाला है। रन कंपलसरी चेज है, फील्डिंग में यहां पर सजावट हो रही है। परेश बामनिया कप्तान है सोमनाथ डाडा के, इस टूर्नामेंट में लगातार 4 जीत हासिल करके टॉप के क्रमांक पर खड़ी है। और यहां पर हमारे जो व्यूअर्स है 904 YouTube लाइव पर, और इसी भी जहां से फील्डर को निकाला था वहीं पर ये गेंद गई थी, रनिंग बिटवीन द विकेट। जी हाँ, अभी भी मौका है, बल्लेबाज को पहले तो बैठ जाना चाहिए, एक लंबी श्वास लेनी चाहिए, शायद मेरी आवाज वहां तक गई। और यहां पर आखिरी गेंद, जीतने के लिए रन चाहिए 6। जी हाँ, याद करना होगा, बहुत सारे ऐसे मुकाबले हुए हैं, पर जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला हुआ था शारजा के मैदान पर, जावेद मियादाद, ओ माय गॉड, जी हाँ, करीबी मामला था, हवा में गेंद थी, और यहां पर लगातार 5 जीत हासिल की। क्या कमाल की टीम, कमाल का कॉम्बिनेशन। सोमनाथ डाडा 11 के ओनर पीयूष भाई अपने खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखकर काफी खुश, मैन ऑफ द मैच गोस टू हेमंत पटेल। क्या कमाल का ऑलराउंडर खेल दिखाया, बल्लेबाजी में जब आए थे 16 गेंदों में 18 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी, छक्के के साथ इनिंग की शुरुआत की थी, और गेंदबाजी में जब आए तो उन्होंने 2 ओवर के कोठे में 10 रन खर्च करके 5 विकेट हॉल। जी हाँ, अब तक का सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग फिगर हेमंत पटेल फ्रॉम पाठैया। प्लीज कमेंट टू कमेंट्री बॉक्स, मैन ऑफ द मैच।